देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। बड़वा में नगर पालिका और कस्बा पंचायत से लगी कॉलोनियों में खाली पड़े प्लाटों में लंबे समय से पानी भरा हुआ है। इस कारण यहां रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी में से दुर्गंध आने के कारण यहां से निकलना भी दुर्भर हो गया है। बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ इसी तरह के हालात बारिश के चलते शर्मा कॉलोनी, नर्मदा विहार कॉलोनी, रेवा नगर, विवेकानंद कॉलोनी, सरस्वती नगर, पटवारी कॉलोनी, सिंचाई कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, दशहरा मैदान, आदर्श नगर कॉलोनी, तारा नगर सहित कच्ची बस्तियों में देखने को मिल रहे हैं। जहां पर पानी की निकासी का इंतजाम नहीं है और खाली प्लाटों व जगहों पर गंदा पानी भरा हुआ है, घरों में रहना हो रहा है मुश्किल। सरस्वती नगर की रहवासी श्रीमती पटेल अर्चना निर्मला पगारे ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉलोनी में आधा दर्जन से अधिक खाली प्लाट और जगह है, इसमें वर्ष भर पानी बना रहता है। दर्जनों बार सरपंच से जल निकासी कराए जाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ना ही कॉलोनी की गंभीर समस्या को लेकर कोई निराकरण किया जा रहा है। मच्छर अधिक होने के कारण मलेरिया बुखार के शिकार हो रहे हैं यहाँ के लोग। गंदगी के कारण, गली में फैली बदबू के कारण घरों में रहना तक मुश्किल हो गया है। एकीकृत बाल विकास कार्यालय के आसपास भी जमा है गंदगी। नर्मदा रोड स्थित रेवा नगर कॉलोनी में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से यहां जगह जगह गंदा पानी एकत्र हो गया है। वहीं कॉलोनी में एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी का कार्यालय भी स्थापित है, जहाँ कार्यालय के आसपास खाली प्लाट और जगह पर गंदा पानी जमा हुआ है, जिसके कारण बीमारी फैलाने वाले मच्छर भी पनप रहे हैं। साथ ही यहाँ पर पसरी गंदगी और बदबू से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे मेन समस्या तो भैया हाउसिंग बोर्ड से लगा हुआ नाला है ना, ये नाला है ना ऊंचा है। अच्छा, तो इसलिए पानी पूरा कॉलोनी में, सरस्वती नगर में, जिस दिन नाला नीचा हो जाएगा ना, तो पूरी कॉलोनी का पानी निकल जाएगा। हमने विधायक जी, हमारे यहाँ हमेशा 12 महीने भैया पानी भरा रहता है, ड्रेनेज का पानी भी आता है और न सरपंच कभी देखने आता है, सुअरों की समस्या है। क्या नाम है आपके सरपंच यहाँ का? अफसाना बानो। अच्छा, उनको आज तक शिकायत की? हाँ, बहुत बार शिकायत थी, खबर आज तक देखने भी नहीं आए जब से सरपंच बने हो, जब तक की क्या समस्या है इनकी कॉलोनी। और क्या समस्या है आपकी कॉलोनी में? तो मच्छर पैदा हो रहे हैं, उससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो इस समस्या का हल करना चाहिए सरपंच ने। रोड बना। क्या नाम है आपका? अर्चना पगारे। क्या नाम है आपका? निर्मला पगारे। अच्छा, आपकी कॉलोनी में क्या समस्या है? हमारी कॉलोनी में समस्या है कि चारों तरफ हमारे पानी पानी है बिल्कुल, और 12 महीने ये पानी रहता है, बारिश में और ज़्यादा हो जाता है, और सुअर आए दिन मरते रहते हैं, हम बहुत परेशान हैं। इसको लेकर किसी को शिकायत की गई? सब सरपंच से, इनसे सबसे शिकायत करते, कोई नहीं सुनता, इसी को चुनाव के टाइम आते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।